दुनिया में धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है और इसके पीछे वजह है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण एसी यानी कि एयर कंडीशनर्स को भी माना जाता है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में 190 करोड़ एयर कंडीशनर्स का उपयोग होता है, जिससे धरती के वायुमंडल का तापमान लगातार बढ़ रहा है। एक नई किताब में यह खुलासा किया गया है कि एयर कंडीशनर से क्या नुकसान हो रहा है और इससे धरती कितनी गर्म हो रही है। लेकिन इस किताब पर हम बात करें उससे पहले आपको एसी में इस्तेमाल होने वाली गैस के बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले साल 1930 में सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बाजार में लाया गया था और इसे फ्रेयॉन के नाम से भी जानते हैं। कई दशकों तक इसका इस्तेमाल होता रहा जिससे ओजोन परत में छेद हो गया और इसी के चलते साल 1987 में सीएफसी के उत्पादन पर रोक लगा दी गई। फिर सीएफसी की जगह एचएफसीज यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ने ली। आज फ्रिज से लेकर एसी तक हर जगह पर इसी गैस का इस्तेमाल होता है और इससे ओजोन परत पर भी कम इफेक्ट पड़ता है। लेकिन इसकी वजह से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है। अब आते हैं उस किताब पर। अमेरिकी वायुमंडल वैज्ञानिक एरिक डीन विल्सन ने आफ्टर कूलिंग ऑन फ्रेयॉन ग्लोबल वार्मिंग एंड द टेरिबल कॉस्ट ऑफ कंफर्ट नाम की एक किताब लिखी है जिसमें उन्हें एसी के फायदे और नुकसान के बारे में बताया है। एरिक के मुताबिक जीवन में एसी की जरूरत है क्योंकि भीषण गर्मी ने ये हीट वेव से लाखों लोगों की जान बचा लेता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस तरह से वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है उस हिसाब से एसी भी बाहर से हमें गर्म जहरीली हवा खींचकर उसे ठंडा करके हम तक राहत पहुंचाता है, जो कि लंबे समय इस्तेमाल करने से नुकसानदेह भी हो सकता है। किताब के मुताबिक एसी बनाने वाली कंपनियां ये दावा करती हैं कि फ्रेयॉन गैस एसी से लीक नहीं होती, ना ही सीधे तौर पर वायुमंडल में मिलती है। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा कार के एसी से है क्योंकि यहां पर रेफ्रिजरेंट एक तय सिस्टम में चिल्ड होते हैं, तब वो एयर कंडीशनर को ठंडा करते हैं। करीब 15 साल के बाद कारों के एयर कंडीशन से फ्रेयॉन गैस लीक होने की आशंका हमेशा बनी रहती है। और यही नहीं, कबाड़ के रूप में छोड़े गए एसी और फ्रिज से भी फ्रेयॉन लीक होने की आशंका ज्यादा होती है। एरिक के मुताबिक जिस जगह पेड़ कम होते हैं या फिर कहें कि कंक्रीट की इमारतें ज्यादा होती हैं वहाँ तापमान सामान्य से ज़्यादा होता है और ऐसे में लोग वहीं पर एसी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। एसी की वजह से ग्रिड पर भी भार पड़ता है, इससे कई बार ब्लैकआउट की स्थिति भी पैदा हो जाती है। हालांकि एरिक ने इससे बचने का तरीका भी सुझाया है। एसी के दुष्प्रभावों से बचने का सबसे मुफीद रास्ता है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना और इससे कंक्रीट की गर्मी को पेड़ों की छांव का संतुलन मिलेगा। दूसरा तरीका, इमारतों का डिजाइन ऐसा बनाया जाए जिससे भरपूर रोशनी और हवा मिल सके। साथ ही लोगों को कम्युनिटी सोलर एनर्जी पर फोकस करना चाहिए और इन सभी तरीकों को अपनाकर एसी की जरूरत को कम किया जा सकता है।